काइंड ऑफ प्लांट है ना जी, प्लांट भी ना है, प्लांट। लेसन वन, लेसन वन। आज हम लोग क्या देखेंगे लेसन वन के आंसर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखिए। पहला जो आपका क्वेश्चन है वह ऑब्जेक्टिव का है। क्या है? ऑब्जेक्टिव। पेंसिल ले आना तो टूट गया है। ऑब्जेक्टिव वन टाइप पी वाई पी ई। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन के चार विकल्प दिए गए हैं और चार विकल्प में से एक विकल्प आपको चुनना है। रे चार विकल्प में से एक विकल्प आपका सही है उसको चुनना है। हाँ, देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है ए नंबर में वो क्वेश्चन है लिविंग थिंग्स हैव, लिविंग थिंग्स हैव। अब आपका ऑप्शन क्या है तो देखिए पहले नंबर में दिया है, एक नंबर में है एयर, एक नंबर में क्या है एयर, दो नंबर में क्या है फूड, फूड, और तीन नंबर में क्या है वाटर, तीन नंबर में वाटर, तीन नंबर में क्या है वाटर, वाटर, और चार नंबर में लाइट, लाइट है लाइट। अब आप बताइए क्वेश्चन है, ध्यान से सुना है, ध्यान लगाओ, वापस से बात नहीं करेगा। क्वेश्चन है लिविंग थिंग्स है भाई, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसके पास क्या होता है, एयर होता है, फूड होता है, वाटर होता है, उसके पास लाइट होता है। इसके सामने जो बॉक्स है उसमें आप टिक मार्क लगाइए, लाइट के सामने जो बॉक्स है उसमें क्या लगाएंगे, टिक मार्क लगाएंगे, क्योंकि वो ही सही है, बाकी सब क्या है गलत है। चलिए दो नंबर में चलते हैं, दो नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन लिविंग थिंग, इनमें से कौन नॉन लिविंग थिंग्स है, इनमें से कौन नॉन लिविंग थिंग्स है। ऑप्शन है आपका क्या है, ऑप्शन बुक्स, ऑप्शन है बुक्स, उसके बाद क्या है बोलिए, क्लॉथ्स, क्या है बोल नहीं सकते हो क्या, क्लॉथ्स, उसके बाद हाउसेज, क्या है हाउसेज, और लास्ट वाला में क्या लिखा है, ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी, ऑल ऑफ दीज मतलब ये सभी। तो आप देखिए बुक नॉन लिविंग है, क्लॉड नॉन लिविंग है, हाउसेज नॉन लिविंग है, इसका मतलब ये ऑप्शन जो दिया है ऑल ऑफ दीज ये सही है, है। ये इसमें टिक लगाइए, कहने का मतलब ये सभी क्या है नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सभी क्या है नॉन लिविंग थिंग्स है। क्लियर? यस सर। नंबर थ्री, नंबर थ्री क्या कहता है, प्लांट्स ब्रेथ थ्रू एस्टोमाटा प्रेजेंट इन प्रेजेंट ऑन देयर। भाई एस्टोमाटा से आप लोगों ने पढ़ा है कि एस्टोमाटा से पौधे क्या करते हैं, सांस लेते, क्या करते हैं सांस लेते हैं। कहां पे बैठना है जी, नहीं तो वहां पर कैमरा है, सब के सब का फोटो आ रहा है। अजब लक्षण जो है ना तुम लोगों का दूर सही नहीं। तो मैं क्या कर रहा था, जो एस्टोमाटा पौधे की पत्तियों पर होता है, ये कहाँ होता है, पौधा के पत्तियों पर। तो यही कह रहा है कि एस्टोमाटा कहाँ होता है, कहाँ होता है, पौधों के पत्तियों पर, पत्तियों पर होता है। तो ऑप्शन देखिए इसमें कहाँ है, कहता है क्या स्टेम में है, स्टेम में तो नहीं है, आगे फ्लावर में है, क्या फ्रूट्स, फ्लावर में भी नहीं है, गलत है। अगला लिखा है कि फ्रूट में है, क्या नहीं, फ्रूट में भी है। चौथा नंबर में है लीव्स, क्या है लीव्स, अरे भाई यही तो है, कहाँ है लीव्स,
लीव्स पर है, पत्तियों पर स्टोमाटा होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन सही है। इसमें टिक मार लीजिए, किसमें मारेंगे? लीव्स पर क्या होता है? एस्टोमाटा। और एस्टोमाटा से पौधे क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। भूल कैसे गए? अरे हो जाते हैं तुरंत। अगला नंबर डी, व्हाट आर नेचुरल थिंग्स? नेचुरल थिंग्स कौन है ये आपको ढूंढना है। क्या थिंग्स मेड बाय मैन, आदमी ने जिसको बनाया ही वह नेचुरल है? नहीं। थिंग्स मेड बाय प्लांट, पौधों ने जिसको बनाया वह नेचुरल है? नहीं। थिंग्स मेड बाय नेचर, जो प्रकृति ने अपने आप बना है, क्या वह है? तो ऑप्शन नंबर तीन इसमें सही है। ऑप्शन नंबर तीन में लिखा है थिंग्स मेड बाय नेचर, मेड बाय बिल्कुल नेचर ने जो अपने आप बना है वही क्या है? नेचुरल थिंग्स है। तो कहीं ना यही सही है। इसमें क्या मारेंगे? टिक मार्क मारेंगे, है ना? ऑप्शन नंबर थ्री में जो है लिखा हुआ थिंग्स मेड बाय नेचर, ये सही है। यस सर। टिक मार्क लगा लेंगे इसमें। आगे बढ़ जाते हैं नंबर ई। देखिए आपका नंबर ई क्या कहता है। नंबर ई, नंबर ई कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस व्हाइल अदर। आप सभी लोग जानते हैं कि जानवर अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। यस सर, देते हैं। किस तरह से देते हैं ये बताइए, व्हाइल अदर। अदर कैसे देते हैं? जानवर तो अपने बच्चे को जन्म देता है, बाकी जो जानवर है वो कैसे देते हैं? अंडे। रुकिए ना, प्ले विथ एग, अंडे के साथ खेल कर। गलत। अंडे को फेंकता है क्या? नहीं। अंडे खरीदते हैं क्या? तो क्या करते हैं? ले एग, अंडे देते हैं। यस सर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चार दिया है, ले एग, ले एग, कहीं कहीं ये सही है। इसमें टिक मार्क लगाइए। ऑप्शन नंबर चार जहाँ लिखा है ले एग्स, ये सही है। किसका उत्तर? ई नंबर का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एफ नंबर में आते हैं। एफ नंबर में क्वेश्चन है, ए डैश फॉलोज द मूवमेंट ऑफ द सन। सन के अनुसार कौन मूवमेंट करता है? अर्थ करता है। सूरज इधर उधर जाता है, हमारी पृथ्वी उधर उधर घूमती है। फ्लावर, कौन सा फ्लावर? यस, सन फ्लावर। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? सन फ्लावर। इसमें टिक मार्क लगाइए। इसमें लगाएंगे सन फ्लावर मूवमेंट करता है, जैसे जैसे सन वैसे वैसे सन फ्लावर भी मूवमेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जी। देखिए जी में लिखा है लिविंग थिंग्स कैन डैश एंड रिएक्ट। तो लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है? तो भाई फील करेगा और रिएक्ट करेगा। नहीं, जैसे छुई मुई पौधा है, आप उसको छूने का प्रयास करेंगे, जैसे छुएंगे तो वह क्या रिएक्ट करेगा? सिकुड़ जाएगी, तो वो उसका रिएक्शन हो गया। फिर अनुभव जैसे किया कि हमको कोई आ रहा है छूने पकड़ने, तो वो उसका रिएक्शन क्या होता है? वो अपने आप को मोड़ लेती है। जैसे कछुआ को लगता है कि हम पर कोई अब अटैक करने आता है, तो अपने मुंह को पेट के अंदर घुसा लेता है, है ना? है कि नहीं? तो उसी तरह से लिविंग थिंग्स का ये आपका नेचर है, उसका स्वभाव है, तो वह फील के साथ रिएक्ट भी करती है। तो इसका उत्तर होगा फील। क्या होगा? फील। टिक मार्क लगाना है फील में।
पहले वो फील करेगा तब वो रिएक्ट करेगी, है कि नहीं? तो चलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अगला है आपका है ना मैचिंग करना है। अब क्या है अब क्या करना है? मैचिंग। चलिए मैचिंग देख लेते हैं। टू मैच अब द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर हम लोग बॉक्स बना लेंगे इस तरह से दिया हुआ है। दो दो चार एक पाँच, ठीक है? दो दो चार एक पाँच। देखिए इसमें भर लीजिए ए बी सी डी ई। अब देखिए आप अब अपने बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, फीस, और दूसरा जो दूसरे सामने जो दिया उसमें मिलान करिए कि कौन फीस के लिए कौन सुटेबल है। तो देखिए ऑप्शन नंबर चार ग्रेट फ्रॉग गिल्स, मछलियां जो है अपने गिल्स से क्या लेती है? तो ए नंबर का उत्तर क्या होगा? चार नंबर ऑप्शन सही है। तो ए के साथ चार का मिलान होगा। बी नंबर है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन भाई क्या है? तो कहीं ना कहीं ये कैन नॉट मूव ऑन इट्स ऑन, मतलब अपने आप एरोप्लेन उड़ेगी? तो उसको उड़ाएगा पायलट। कौन उड़ाएगा उसको? तभी तो उड़ेगा। तो अपने आप नहीं उड़ सकता। तो बी नंबर का होगा थ्री। यस सर। क्या होगा? थ्री। अगला है नंबर सी में स्नेक। स्नेक क्या करती है? दरअसल सोचिए अंडे देने का काम करती है। ऑप्शन नंबर पाँच। ऑप्शन नंबर फाइव। नंबर डी में है बेफेलो। तो बेफेलो क्या करती है जल्दी बोलिए? अपने जैसे बच्चे को जान देती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर वन। अब लास्ट ई नंबर देखिए ग्वायर। तो ग्वायर क्या होता है? ग्वायर धीरे धीरे बड़ा होकर के आदमी बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? दो। ऑप्शन नंबर तो देखिए ये मैचिंग वाला हो गया आपको कंप्लीट। टू मैच कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये मैचिंग कंप्लीट हो गया आपका। चलते हैं आगे। अब आपका आंसर इन वन और टू वर्ड, आंसर आपको एक या दो शब्द में देना है। अगला बिटा दे चलिए सी। और सी नंबर का है आंसर क्वेश्चन। तो सी के रोमन ए में दिया है थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम। थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम, भाई ऐसा जीव जिसमें जीव नहीं है, लाइफ नहीं है, ऐसा वस्तु जिसमें लाइफ नहीं है, तो वो क्या है? क्या है? नॉन लिविंग। चलिए लिख दीजिए नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स लिख देंगे उसमें। क्लियर है नंबर बी। अब देखते हैं बी क्या कह रहा है। बी लिखा है फ्रॉम व्हाट डू लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी। जितने भी लिविंग थिंग्स है वह एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे से। एनर्जी सन से। सूरज से। सन से। इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग प्राणी हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी कहीं ना कहीं किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सन से। उसका उत्तर होगा द सन। क्या होगा? द सन। क्या होगा? द सन। नंबर सी। अब नंबर सी देख लीजिए क्या कहता है। फ्रॉम दे कैन मेक देयर ओन फूड। वे जीव वे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्तर क्या होगा? आराम से बोलिए द प्राण। आराम से बोलो अच्छा रहेगा, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। द प्राण। पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छा बताइए किस कौन सा सिस्टम है जिससे वो बनाते हैं अपना भोजन?
सिस्टम का नाम बताइए। कैसे? किस सिस्टम के जरिए अपना भोजन बनाते हैं? एस्टोमाटा के जरिए तो सांस लेते हैं। सिस्टम बनाने का सिस्टम, सिस्टम का नाम बताइए। किस सिस्टम के जरिए बनाते हैं भोजन? अरे कौन विधि से भोजन बनाते हैं सिस्टम? उस विधि का नाम बताइए ना। गलत बात, विधि का नाम पूछ रहे हैं। जिस विधि से वो भोजन बनाते हैं उस विधि का क्या नाम है? विधि ने बताया। प्रकाश, कहाँ आप लोगों का दिमाग खोया रहता है? देखो तो कितना देर के बाद वो उसको ढूंढा है। सिस्टम क्या है? क्या सिस्टम है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो द सिस्टम ऑफ फोटोसिंथेसिस, द सिस्टम ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी के जरिए क्या बनाते हैं पौधे? अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वंस ऑन काइंड। अब लोग एक से अधिक बच्चे को जन्म देना, अपने जैसे बच्चों को जन्म देना, ये काम किसका है? नॉन लिविंग का? किसका काम हो सकता है? कौन वस्तु कर सकता है? लिविंग थिंग्स कर सकता है। कौन करेगा? एल आई वी आई एन जी, लिविंग थिंग। कौन करेगा? कौन करेगा जी? कौन करेगा? चलिए ठीक है, आगे बढ़े आते हैं। क्या है? कोई बात नहीं। नंबर ई लास्ट है आपका। नंबर ई क्या कह रहा है? मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम दी, बहुत से पौधे कौन चीज के द्वारा उगता है? कौन चीज से उगता है पौधे? तो इसका उत्तर क्या होगा? सीड होगा, यानी बीजों से। क्या से? बाय सीड, बीज के जरिए ही बहुत से पौधे उगते हैं। जैसे आप अपने खेतों में क्या लगाते हैं किसान? मक्का, गेहूं, बहुत से तरह के पौधे लगाते हैं। उनके क्या बोते हैं खेतों में? बीज बोते हैं। क्या बोते हैं? तभी तो पौधा बड़ा होता है, उसे फिर हमको प्राप्त होता है। होता है कि नहीं? तो मैक्सिमम जो पौधा है वह बीजों से ही होते हैं, है कि नहीं? चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल के क्लास में बाकी जो आंसर क्वेश्चन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए।